बात कराची एक्सपो सेंटर माइक कराची का सेकंड डे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, फैमिलीज आ रही हैं और परचेजिंग हो रही है, और मैं समझता हूँ कल संडे और ज़्यादा रश होगा। फाइजर ब्यूटी क्रीम ने इसीलिए आवाम को देखते हुए बाय वन गेट वन की स्कीम चलाई हुई है और अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कल संडे का दिन है तो कराची की फैमिलीज बाहर आएंगी और फाइजर ने जो बाय वन गेट वन की एक स्कीम चलाई हुई है कंज्यूमर के लिए, उससे वो यकीनन फ़ायदा उठाएंगी। कराची में जो है इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा फुकदान है, तो कराची में जो है एग्ज़िबिशन जो है वो 6 महीने के बाद तो कम से कम हो ही जानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस तरह हमें कंपनियों को मौका मिलता है ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करने में, अपना नाम को बढ़ाने में, अपने ब्रांड को आगे लाने में, अपनी ब्रांड की लॉन्चिंग को करने में। जैसे हमने अभी गोल्डी ग्लो जो है, मल्टी ग्लो जो है हमने लॉन्च किया है, हमारा डीलक्स साबुन लॉन्च किया है, हमने सीरम लॉन्च किए हैं। इस तरह कंपनियों को फ़ायदा होता है एग्जीबिशन के अंदर ना काम करने में, और हमारे यहाँ माशाल्लाह काफ़ी सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं इस वक्त, और एग्जीबिशन भी बड़े अच्छे बड़े पैमाने पे हो रहा है, ये पब्लिक भी इंटरेस्ट ले रही है और लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। ये कराची की पब्लिक के लिए एक इंजॉयमेंट भी है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये एग्जीबिशन ज़रूरी भी हैं। कोविड से निजात पाने के बाद ये पहली दफ़ा एग्ज़िबिशन हुई है और बहुत अच्छा रिस्पांस है, और आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉल पे कितना लोगों का रश है, और गर्मी के बावजूद भी फैमिलीज़ यहाँ विज़िट कर रही हैं, पूरे स्टॉल्स में आ रही हैं, और बहुत अच्छी माशाल्लाह गहमा गहमी है अच्छी जी। इस तरह के इवेंट माई कराची जैसे और भी होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो शहर है उसको उजागर करना चाहिए। सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, सब माशी हब है पाकिस्तान का, तो इसकी गहमा गहमी और इस पर एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियाँ थी। लोग आए देखें और किस तरीके से लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े इवेंट होने चाहिए ताकि कराची की एक मुस्बत जो उसके इमेज है वो पाकिस्तान भर में पहुँचे। ये माशाल्लाह माई कराची इवेंट जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की काविशों से जो लगता है, ये 17वां जो है ये, और इसमें 2 साल से गैप था, और माशाल्लाह बड़ा ज़्यादा ही उन्हें अफेक्ट मिला है, कस्टमर्स को भी और जिन्होंने स्टॉल लगाए उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस माई कराची से। और मेरी कोशिश है और दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला बिज़नेस को इसी तरह वसी करे, और कराची तो माशी हब है। इस तरह के काम जो कराची चैम्बर करती है हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, जिससे तमाम छोटे ताजरों को बेहतरीन कारोबार का मौका मिलता है। और मुझे जान के बहुत खुशी हुई है, क्योंकि 2 साल से कोविड के बाद ये पहली जो एग्ज़िबिशन लगाई गई है जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत करी है, और कराची में एक जो है आसाइश का और लोगों को लग्जरी चीज़ें ख़रीदने का जो मौका नहीं मिल सकता था, वो आज आपको लोगों को फराहम किया जा रहा है। रियायती कीमतों पे यहाँ पे चीज़ें दस्तियाब हैं, आप स्टॉल पे अगर दौरा करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे चीज़ें कितनी सस्ती मिल रही हैं, और फैमिली की एक बड़ी तादाद इसमें शरीक हुई है। एक्सपो सेंटर में मुझे काशिफ सलाद साहब ने यहाँ पर इन्वाइट किया हुआ है, और यहाँ पर आके मैंने देखा माशाल्लाह बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने के स्टॉल हैं, सेवर के स्टॉल हैं, बैटरी के स्टॉल हैं, हर चीज़ के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने ये 17वां स्टॉल लगवाया यहाँ पे, और मुझे आके यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है।